बाहर आएंगे और श्रवण कुमार मिश्र मिंटू भैया विश्व के विख्यात नेतृत्व में यहाँ कथावाचक के पूज्य उनके राजन जी सभी महाराज भक्त पहुंचे स्वागत के वाराणसी लिए एयरपोर्ट पर। आ भक्तों ने गए क्या हैं। भव्य स्वागत, और ये बताते चले कि विश्व विख्यात कथावाचक पूज्य राजन जी महाराज आज सुबह वाराणसी पहुंचे, जहां भक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया है। वाराणसी के बावतपुर अभी एयरपोर्ट हम पर पूज्य बावतपुर महाराज एयरपोर्ट पे हैं। राजन जी देर के में पहुंचने से हमारे पहले देश ही विश्व भारी विख्यात संख्या में भक्त श्रीराम वहां कथावाचक मुख्य पूज्य द्वार पर पहुंचे और श्री राजन उनके जी आने का महाराज प्रतीक्षा होने किया। वाले हैं। जैसे ही कथावाचक राजन जी महाराज बाहर आए, उनका आगमन हो पूरे चुका है, वातावरण अभी कुछ जय देर में श्री राम बाहर और आएंगे महाराज जी के नारे और श्रवण कुमार की मिश्र जैसे मिंटू भैया गूंज उठा। के नेतृत्व में यहाँ बताते चले पे कि राजन उनके जी सभी महाराज भक्त 60 दिवसीय स्वागत कथा के के लिए आ गए लिए हैं। आए हैं, जो कि और आज से ही सोनभद्र ये में प्रारंभ होगा। राजन जी महाराज का राजस्थान से हवाई मार्ग से आए और बावतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद श्रवण मिश्रा और प्रेम यादव के नेतृत्व अभी में हम 50 से अधिक बावतपुर भक्तों ने एयरपोर्ट पे हैं। एयरपोर्ट कुछ पर उनका देर में भव्य हमारे स्वागत बीच किया, माला विश्व पहना का विख्यात श्री राम जयकार लगाकर। कथावाचक इसके बाद निजी पूज्य वाहन श्री से राजन जी सोनभद्र महाराज के लिए आने वाले प्रस्थान कर हैं। गए। कथावाचक पूज्य राजन जी उनका महाराज आगमन हो कथा चुका कहने के है, लिए, अभी कुछ राम देर में कथा बाहर कहने के लिए आएंगे विश्व और में प्रख्यात है। श्रवण उनका कुमार 7 दिवसीय मिश्र राम मिंटू कथा भैया के नेतृत्व में यहाँ कार्यक्रम जो पे कि उबड़ा उनके सोनभद्र में सभी है, भक्त जिसका आज स्वागत से के शुभारंभ लिए है। आ हजारों गए की संख्या हैं। में और भक्त कथा का रसपान तो करेंगे ये और भक्ति का लाभ उठाएंगे, भक्ति का धार्मिक लाभ उठाएंगे। बताते चले कि विश्व विख्यात कथावाचक पूज्य राजन जी महाराज अभी हम आज बावतपुर वाराणसी एयरपोर्ट पे पहुंचे, हैं। कुछ जहां देर में एयरपोर्ट हमारे पर बीच विश्व भक्तों ने विख्यात उनका भव्य श्री स्वागत राम किया। कथावाचक विश्व विख्यात कथावाचक पूज्य श्री पूज्य राजन जी राजन जी महाराज महाराज आज आने सुबह वाले ही हैं। वाराणसी पहुंचे, जहां भक्तों ने उनका उनका आगमन भव्य हो स्वागत चुका किया। और है, अभी कुछ वाराणसी के देर में बाबत बाहर एयरपोर्ट आएंगे पर पूज्य राजन जी और महाराज के श्रवण कुमार पहुंचने से मिश्र पहले ही मिंटू भैया भारी के संख्या में नेतृत्व में यहाँ भक्त पे वहां पर मुख्य द्वार उनके पहुंचे सभी और उनका भक्त स्वागत के काफी लिए समय तक आ गए प्रतीक्षा हैं। किया। जैसे ही और कथावाचक राजन जी महाराज तो ये मुख्य द्वार से बाहर आए, वातावरण जय श्री राम और महाराज जी की जय के नारों के साथ गूंज उठा। बताते चले कि राजन जी अभी महाराज हम 7 दिवसीय राम बावतपुर कथा के एयरपोर्ट लिए पे हैं। आए हैं, कुछ जो देर कि में आज हमारे से ही बीच विश्व विख्यात सोनभद्र में श्री प्रारंभ राम होगा। कथावाचक राजन जी पूज्य महाराज राजस्थान से श्री राजन हवाई जी मार्ग से महाराज आए, आने बावतपुर वाले हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद श्रवण मिश्रा उनका और प्रेम आगमन हो यादव चुका है, के अभी नेतृत्व में कुछ देर पचास में से बाहर अधिक आएंगे भक्तों ने एयरपोर्ट पर और उनका श्रवण भव्य कुमार स्वागत, मिश्र माला मिंटू पहना भैया कर के और नेतृत्व में यहाँ पे जयकारा उनके लगा कर सभी किया। भक्त इसके स्वागत बाद के निजी लिए वाहन से आ गए महाराज जी हैं। सोनभद्र के लिए और तो प्रस्थान कर गए। ये कथावाचक पूज्य राजन जी महाराज कथा कहने के लिए विश्व में प्रख्यात हैं। उनका 7 दिवसीय रामकथा कार्यक्रम आज से उबरा सोनभद्र में है, जिसका आज से ही अभी शुभारंभ हम होना है। बावतपुर एयरपोर्ट हजारों पे की हैं। संख्या में कुछ देर में भक्त हमारे कथा बीच का रसपान विश्व करेंगे विख्यात और भक्ति श्री का राम धार्मिक लाभ कथावाचक उठाएंगे। पूज्य श्री राजन जी महाराज